सुनाओ। नाथ मेरी बात जानने को नहीं तेरे अकली चुरा कर बाबा जासी कटे मेरे से। नाथ मेरी बात जानने को नहीं तेरे से अकली चुरा कर बाबा जासी कटे मेरे से। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं मेरी तरह बढ़िया ही होंगे। सो आज हमें शाहबाद में मैं और हर्ष, और आज हम जा रहे हैं चुलकाना धाम। सो सभी को जय श्री श्याम और वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज हम जाएंगे चुलकाना धाम, जहां पे बाबा श्याम ने अपने शीश का दान दिया था, जहाँ से वो खाटू श्याम बने थे। सो चलिए चलते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। मैं मतलब खाटू श्याम धाम तो बहुत बार गया हूँ, हर्ष भी गया, लेकिन हम चुलकाना धाम कभी नहीं गए। सो हम वहाँ जाएंगे, आपको भी दिखाएंगे। वहीं पे वो मतलब पेड़ है जहाँ पर उन्होंने जो पत्ते थे जिसके सारे भेद दिए थे, सो वो हम आपको पेड़ भी दिखाएंगे। पंडित जी से भी बात करेंगे, वहाँ पुजारी जी से भी बात करेंगे और वहाँ की जो कथा है वो आपको बताएंगे। बाकी अभी हम चलते हैं, वो आपको मिलते हैं वहीं पहुँच के, और रास्ते भी दिखाते जाएंगे कि कहाँ से हम जा रहे हैं। हम मतलब अम्बाला और जो दिल्ली जा रहा है उसी से जाएंगे, पानीपत में है क्योंकि चुलकाना धाम। सो चलिए चलते हैं वहाँ पे, आपसे पहुँच के करते हैं मुलाकात। सभी को जय श्री श्याम। आप कुछ कहना चाहेंगे? जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। सो सभी भक्तों को जय श्री श्याम। सो वहाँ पे पहुँच के आपसे मिलते हैं और चले। चलो हवा चेक करवा लेते हैं एक बार, बाकी बाकी कोई दिक्कत ना आए रास्ते में। सही हो रही है अपनी हवा चेक। ताजमहल एक प्यारा खाटू धाम है, लाल किले से प्यारा तोरण द्वार है। सात अचूबे इस दुनिया में न्यारे हैं, सबसे प्यारे बाबा श्याम हमारे हैं। सो हाईवे पे हो रहे हैं हम यहाँ से। चलो जी, ये पकड़ लिया हमने हाईवे। हम पहुंच गए हैं, ये देखिए गांव चुलकाना में एंट्री हो गई अपनी। सो भी चलते हैं बाबा के करते हैं दर्शन, और आपको भी बाबा के दर्शन कराते हैं। हाँ जी, सो पहुंच गए हम। ये देखिए, ये पीछे है लिखा हुआ प्राचीन श्री श्याम मंदिर, प्राचीन तीर्थ श्री श्याम मंदिर। ऊपर ये देखिए मंदिर भी, मूर्ति है ये, और ये पूरा पीछे ये देखिए, ये पूरी मार्केट है। श्री राधे मिष्ठान भंडार, भूमिका श्रृंगार भवन व गिफ्ट हाउस, ये श्री श्याम स्वीट्स, और ये सांवरिया मिष्ठान भंडार, और ये बालाजी मिष्ठान भंडार। और ये देखिए, ये श्री कृष्ण जी को शीश देते हुए ये पीछे मूर्ति है, ऊपर ध्यान से देखिए। सो अभी अंदर चलते हैं, पुजारी जी से भी बातचीत करेंगे, आपको दिखाते हैं मंदिर भी अंदर से पूरा। आइए चलते हैं अंदर। हाँ जी, पहुंच गए हैं हम ये चुलकाना धाम में। ये देखिए, ये पीछे पूरा मंदिर। हाँ, ये देखिए, ये वही पेड़ है। ये देखिए सीधे हुए इसके पत्ते। तो अभी अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं। एक बजने वाला मंदिर बंद ना हो जाए तो पहले। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं, आपको भी कराते हैं। अभी तो खुला हुआ है मंदिर। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। ये देखिए, जय श्री श्याम, ये पीछे मंदिर। दर्शन कराते हैं आपको भी, खुद भी दर्शन करते हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।
हाँ जी, ये देखिए आप बाबा जी के दर्शन, ये पुजारी जी हैं, हम पुजारी जी से अभी थोड़ी देर में बातचीत करेंगे। ये देखिए कितना पावन स्वरूप है बाबा का, ये देखिए। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय, जय श्री श्याम। ये देखिए, और ये है हनुमान जी, जय हनुमान, जय श्री बालाजी महाराज। ये देखिए ये सारी संगत है बाबा के दीवाने, ये बाबा की ध्वज जिसे, ये देखिए ये कृष्ण और बलराम जी हैं, ये देखिए। वाह जी वाह, बहुत अच्छे तरह से सजाया गया है मंदिर को, ये पुजारी जी, और ये हमारे बाबा श्याम। ये वही जगह है जहाँ पे बाबा ने शीश का दान दिया था। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। ये देखिए आप, ये है प्रसाद चूरमे का, बूंदी का। जय हो रही है हमारा हर्ष, हो गए दर्शन बढ़िया, बहुत बढ़िया दर्शन हुए हैं। बाबा के सामने से हटने का ही मन नहीं कर रहा। जय श्री श्याम बाबा। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जहाँ दिया है शीश का दान वो भूमि है चुलकाना धाम। सो जहाँ पे बाबा ने शीश का दान दिया था ये वो भूमि है। आज हम उस पावन भूमि पे, हमें मतलब बाबा के दर्शन करने का मौका मिला है। ये देखिए ये शिव जी का मंदिर है, ये पूरा शिव, ये देखिए। जय जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर जी महाराज, जय हो भोलेनाथ, जय हो शिव शंकर जी महाराज। और ये प्राचीन समाधि मंदिर है, ये पंडित जी से पूछेंगे, ये लिखा हुआ है समाधि मंदिर। जय हो, जय हो, जय हो बालाजी महाराज, जय हो हनुमान जी, जय हो। जय हो, जय हो, जय जय हो। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं, बहुत ही अच्छे दर्शन। सो अभी मतलब 1 बजे मंदिर बंद होने वाला है, मतलब कपाट बंद हो जाएंगे बाबा जी के। सो सुबह 5:30 बजे मंदिर खुल जाता है और 1:30 बजे मतलब 1 बजे बंद हो जाता है। सो बंद होने वाले हैं, तो अभी वो दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए पीछे मंदिर को बंद कर दिया गया 1 बजे, इसके दर्शन हो गए। सो अभी हम पुजारी जी से भी बात करेंगे। वो पीपल का पेड़ मैंने जब आपको भी स्टार्टिंग में दिखाया था, एक बार दोबारा दिखाऊंगा। और इनके में जो पत्ते हैं, मतलब कुछ को अभी भी पत्तों में मतलब छेद है, छिदे हुए ही हैं पत्ते, और दिखाएंगे हम इनके पत्ते हैं, काफ़ी पत्ते छिदे हुए हैं। ये वही पत्ते हैं, ये वही पीपल का पेड़ है, ये देखिए, ये देखिए, ये वही पत्ते हैं जिनमें बाबा ने छेद किया था, लोगों ने अपनी मन्नतें बांधी हुई हैं। ये देखिए किस हिसाब से श्रद्धा है लोगों की। और ये कुंड है, सभी पंडित जी से पूरी बातचीत करेंगे, पूरा आपको मंदिर दिखाएंगे कि कहाँ पे क्या क्या है। हमें तो इतना पता नहीं, मैं भी पहली बार ही आया एक्चुअली, क्योंकि हर्ष पता नहीं किधर है। तो ये वही पेड़ है ये पीपल का, जिसमें एक बाण से पूरे मतलब पत्ते छेद देते, अभी भी पत्ते छेदे हुए हैं इस पीपल के पेड़ के। सभी पंडित जी से बात करेंगे, पंडित जी बुला रहे हैं, तो पंडित जी से बातचीत करते हैं हम। जय श्री राम पंडित जी, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। सो पंडित जी बताइए चुलकाना धाम के बारे में और बाबा के बारे में। सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम, जय चुलकाना धाम, जय खाटू धाम। जो भी भक्त चुलकाना धाम आता है वो बाबा श्याम के दर्शन जरूर करता है। जो भक्त खाटू धाम जाता है उनके मन में जिज्ञासा होती है कि चुलकाना धाम का इतिहास क्या है। तो अभी जो भक्त चुलकाना धाम आए हैं, कहा गया कि जहाँ दिया था शीश का दान वो भूमि चुलकाना धाम, जहाँ प्रकट हुए मेरे बाबा श्याम वह पावन धरा है खाटू धाम। यहाँ बाबा श्याम जी का जो
नाम जुड़ा है चुलकाना धाम की इस पावन भूमि से। यहाँ बाबा श्याम जी ने अपने शीश का दान दिया। कृष्ण भगवान इस लीला को जानते थे। कृष्ण भगवान जी ने इस भूमि पर अपना विराट स्वरूप जो बर्बरीक जी को दिखाया, अपना श्याम जो प्रिय नाम था, राधा रानी जी ने जो श्याम नाम को दिया, उनका जो प्रिय नाम बर्बरीक जी को दिया, और उसके बाद में यहाँ शीश का दान दिया बर्बरीक जी ने। जो सरस्वती नदी आज भी हम यहाँ 10-15 फुट खोदते हैं तो नीचे से सफ़ेद रेत निकलता है, तो जो सरस्वती नदी का प्रतीक है, तो जो शीश का दान था वो सरस्वती नदी के जरिए खाटू श्याम जी में निकला। वहाँ खाटू श्याम जी का विशाल भव्य दरबार सजाया गया और आज चुलकाना धाम में धड़ स्वरूप की पूजा की जाती है और खाटू श्याम जी में शीश स्वरूप की पूजा की जाती है। जहाँ दिया था शीश का दान वह पावन धरा है चुलकाना धाम, जहाँ प्रकट हुए बाबा श्याम वह पावन धरा है खाटू धाम। जय श्री श्याम, जय चुलकाना धाम, जय खाटू धाम। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि जहाँ पे शीश का दान दिया था वो चुलकाना धाम है, और जहाँ पे बाबा श्याम प्रकट हुए थे सरस्वती माता की गोद में विराजमान होके, वो जगह है खाटू धाम। सो पंडित जी, इसके पीछे का बताइए कि मतलब कई लोगों को इसकी कथा नहीं पता, तो थोड़ा सा कथा के बारे में बताइए कि कैसे कैसे युद्ध की जिस तरह मतलब कैसे शीश का दान दिया, थोड़ा सा वो बता दीजिए। देखो क्या है कि जो प्राचीन जो मान्यताएँ हैं यहाँ पे, जो कथाएँ हैं, दंत कथाएँ भी कुछ प्रचलित हैं यहाँ पे, तो कुछ ऐसी ऐसी कथाएँ जहाँ जो युद्ध का समय था तो बर्बरीक जी के मन में जिज्ञासा हुई कि युद्ध की जो इच्छा थी, क्योंकि एक क्षत्रिय जो कुल से जुड़े हुए थे, वो जो क्षत्रिय कुल से उत्पन्न थे, तो उनके मन में एक खुद युद्ध के प्रति जिज्ञासा थी कि वो युद्ध देखें, युद्ध लड़ें। तो वहाँ पे उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, अपनी माता से आज्ञा ली, तो माता ने उन्हें जो आदेश दिया कि हारे का सहारा बनेगा, तभी श्याम जी का नाम हारे का सहारा कहलाया गया। तो वो युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र की पावन धरा के लिए चल पड़े। तो जो आज दिल्ली है, जो इंद्रप्रस्थ पहले जो उनका प्राचीन नाम था, तो दिल्ली से जो इंद्रप्रस्थ से जो चल पड़े, तो जो पावन धरा चुलकाना धाम में पहुँचे, तो बर्बरीक जी इस लीला को नहीं जानते थे, परंतु श्री कृष्ण भगवान की जो सारी सृष्टि जो बनाई गई लीला थी, वो इस लीला को स्वयं जानते थे कि क्या कुछ होने वाला है। वर्तमान, भूत, भविष्य सब कुछ कृष्ण भगवान जानते थे कि क्या होने वाला है। तो बर्बरीक जी यहाँ इस पावन धरा पर पहुँचे, वहाँ उनका जो परिचय लिया गया, उनसे पूछा गया कि आपके पास क्या है, जो शस्त्र जो आपके पास है, 3 बाण हैं, तो आज जो ये प्रांगण में वृक्ष है, इसके पत्ते जो वीर बर्बरीक जी ने बींद दिए थे, जो कृष्ण भगवान ने परीक्षा लेते हुए उनसे जो पूछा था, तो आज प्रांगण में वह वृक्ष उसी का अंश विराजमान है। सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। तो अभी हम आपको वो वृक्ष भी दिखाएंगे जहाँ पे जो मतलब जिसके जो पीपल का पेड़ है उसके जो पत्ते हैं वो आज भी भेदे हुए हैं, कुछ कुछ पत्तों में आज भी छेद है, जो बर्बरीक जी ने जो लीला रची थी, जो जब श्री कृष्ण जी ने उनसे पूछा था कि क्या कहते हैं तुम्हारे पास क्या ऐसा तरकश में तीर है जो तुम मतलब इस इतने बड़े परमवीरों के बीच युद्ध लड़ने जा रहे हो, तो तब उन्होंने कहा था कि मैं आप कुछ भी मतलब मेरे से कहिए मैं वो करके दिखाऊंगा। तो उन्होंने कहा था कि इस पीपल के पेड़ के जो सारे पत्ते हैं वो भेद दीजिए, तो उन्होंने पीपल के पेड़ के सारे पत्ते भेद दिए थे जो कृष्ण जी ने लीला रची थी। उसके बाद उन्होंने एक पत्ता तोड़ के अपने पाँव के नीचे दबा दिया था, तो जो क्या कहते हैं बाण था वो उनके पैर के ऊपर घूमने लगा था, जो अगर कोई मतलब नॉर्मल किसी इंसान का वैसे पैर होता तो उसको भी वो भेद देता, लेकिन वो मतलब श्री कृष्ण जी का पैर था तो उसके चारों तरफ घूमने लगा, आदेशानुसार चलता था वो बाण, तो कृष्ण भगवान जी के जो पैर थे उनके ऊपर जो मंडराने लगा, तो बर्बरीक जी ने कहा कि हे भगवान आप अपने पैर को हटाइए, और तभी वो वृक्ष जो पत्ता था वो बींद के वापिस तरकस में आ गया। तो कृष्ण भगवान जी लीला को सभी जानते थे, तो कृष्ण भगवान जी की अपार माया है, चुलकाना धाम में शीश का दान दिया है और खाटू श्याम जी में वो शीश वो सरस्वती नदी के जरिए वहाँ निकला, वहाँ विशाल दरबार सजाया। तो यही मान्यता है चुलकाना धाम की, जो भक्त चुलकाना धाम आता है उसकी हर एक मनोकामना पूरी होती है। बाबा श्याम जी हर मनोकामनाओं को पूरा करता है, बस भक्तों के मन में भाव होने चाहिए, बस यहाँ चुलकाना धाम से जुड़ें। जय श्री श्याम। तो जय श्री श्याम, जैसा कि पंडित जी ने बताया कि मतलब बहुत मान्यता है किसी कैसे उन्होंने शीश का दान दिया और कैसे वो खाटू धाम में प्रकट हुए। पंडित जी क्या नाम है आपका? मोहित शास्त्री। मोहित शास्त्री हमारे साथ है पंडित जी। पंडित जी हमें भी आप आशीर्वाद दीजिए। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कृपा बनी रहे सदा।
आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा जी जी जय श्री। एक बार आप पंडित जी वो भी दिखा दीजिए जो पीपल का जो पेड़ था ना, आइए चलते हैं, हम आपको ले चलते हैं जी। सो ये देखिए, ये वही वृक्ष है जिसके पत्ते बर्बरिक जी ने भेद दिए थे, श्री कृष्ण जी ने लीला रची थी जब। तो पंडित जी बताइए इसके वृक्ष के बारे में बताइए। जो बाबा जो कृष्ण भगवान जी ने परीक्षा ली बर्बरिक जी की, तो इस वृक्ष के हर एक पत्ते को बिंदा। तो आज देखो, दिखाइए ये पत्ता, देखिए ये जैसे अभी फागुन की एकादशी तक ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा, अभी संपूर्ण नहीं हुआ। अच्छा, तो धीरे धीरे पूर्ण सभी वृक्षों में ऐसे पत्तों में ऐसे ही छेद मिलेंगे आपको निशान। हाँ जी, हाँ जी। तो ये देखिए आप, इन सभी वृक्षों में ये ऐसे निशान है, तो मतलब ये भेदने का प्रतीक है। हाँ, कि जो ये वृक्ष मतलब उन्होंने भेदा था, तो हर एक पत्ते में मतलब ये जो पीपल का पेड़ है प्राचीन समय से कितना पुराना है सर मंदिर? ये देखो हमारे दादा परदादा और काफी समय पुराना है। देखो हमारी तो उम्र भी कम हुई है अभी। हाँ, तो हम सुनते आ रहे, हमारे पिताजी दादाजी सुनते, ऐसा ही वृक्ष है ये, हम तो मानते हैं उसी का अंश है बाबा श्याम जी का। हाँ जी, का मतलब जी, जो वृक्ष बींदा था, जो पत्ते बींदे थे, तो ये उसी का अंश है। हाँ जी, सो मंदिर तो काफी प्राचीन होगा, ये कितना प्राचीन है। देखो जीर्णोद्धार कई बार हो चुका है मंदिर का, यहाँ पे जैसे यहाँ पे तालाब थे, अभी इसका पूर्ण रूप से जीर्णोद्धार करके बहुत ही विशाल दरबार बनाया गया है यहाँ पे। ये पूरा कुंड है, स्नान कुंड है। हाँ जी, स्नान कुंड है ये, देखिए ये स्नान कुंड है। जितने भी श्याम प्रेमी है जी, कोई भी मतलब अगर परेशान है, कोई भी दुख है, तो वहाँ इस कुंड में स्नान करके अपने मतलब परेशानी दूर कर सकते हैं जी, जी। तो एक बार चिलकाना धाम में जरूर आए, तो यहाँ पे आके मतलब जो जहाँ पे बाबा ने शीश का दान दिया है इस भूमि में, तो आपको आना चाहिए, क्योंकि सब खाटू धाम तो जरूर जाते हैं लेकिन चिलकाना धाम का बहुत कम लोगों को पता है। नहीं देखो क्या है कि अभी इतिहास से चिलकाना धाम के बारे में कम जानते हैं। हाँ, तो जो भक्त खाटू श्याम जी जाते हैं चिलकाना धाम की पावन धरा पर जरूर आए, एक बार दर्शन करें, अपना क्या कहते हैं यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है, जरूर मनोकामना पूर्ण होती है। प्राचीन बाबा का मतलब सिद्ध मंदिर है, पर युग के टाइम का होगा, जब से महाभारत हुई है तब से ये मंदिर है। तो मतलब यहाँ पे धड़ की पूजा की जाती है। हाँ जी, उनके जो खाटू श्याम जी में शीश स्वरूप की पूजा की जाती है, और चिलकाना धाम में धड़ स्वरूप की पूजा की जाती है जी। तो पंडित जी से बात करके बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने इतनी जानकारी दी हमें जी, जी, जी। तो हमारे जो दर्शक हैं उनको भी इतनी जानकारी दी, जिनको नहीं पता था चिलकाना धाम के बारे में, वो भी वीडियो देख के एक बार दर्शन करने जरूर आए। जितने भी श्याम प्रेमी हैं बोलो हारे के ज्यादा सब्सक्राइब करें। हाँ जी, और चिलकाना धाम से जुड़े। जय श्री श्याम। तो बोलो हारे के सहारे की जय, चिलकाना धाम की जय, खाटू श्याम की जय। जहाँ दिया था शीश का दान वह पावन धरा है चिलकाना धाम, जहाँ प्रकट हुए बाबा श्याम वह पावन धरा है खाटू धाम। जय श्री श्याम, जय चिलकाना धाम, जय खाटू धाम। हाँ जी, तो मतलब बहुत अच्छा दर्शन हुआ, क्या दर्शन है? बढ़िया मतलब दिल खुश हो गया। तो आपको भी आना चाहिए, मतलब हम भी यहाँ आते रहेंगे, खाटू धाम तो जाएंगे यहाँ भी आते रहेंगे। काफ़ी अच्छे दर्शन हुए, और मतलब बाबा के यहाँ पे धड़ की पूजा की जाती है, वहाँ पे मतलब शीश की पूजा की जाती है। कहना जैसे पुजारी जी का, जहाँ दिया था शीश का दान वो नगरी है चिलकाना धाम, जहाँ प्रकट हुए बाबा श्याम वो नगरी है खाटू धाम। सो आप भी यहाँ पे आए दर्शन करें, देखिए कितनी संगत आई हुई है। अभी इतनी तो है नहीं, मतलब ज़्यादा संगत नहीं है, ज़्यादा तो श्रद्धालु नहीं है, ज़्यादा एकादशी पे होते हैं ज़्यादा श्रद्धालु, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब भजन मतलब कीर्तन कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया लेडीज़ कीर्तन कर रही हैं। सो श्रद्धालु आते जा रहे हैं, अब 2 बजे मंदिर खुलेगा, तो एक बार दोबारा दर्शन करेंगे, वो प्रसाद लेंगे। हाँ जी नमस्कार जी, हमारे क्या नाम है आंटी जी आपका? मीरा। मीरा नाम है, मतलब कृष्ण जी का उस पे नाम रखा गया। वाह जी वाह मीरा। सो आंटी जी मतलब कितने टाइम से आ रहे हैं यहाँ पे? हमें 6-7 साल हो गए आते हैं। 6-7 साल हो गए। 6-7 साल पहले बार आए थे, फिर बीच में गैप हो गया था। अच्छा, अब 2 साल से रेगुलर आ रहे थे। 2 साल से रेगुलर, चार चुलकाने के इसके कोरोना के चक्कर में रुक गए थे, फिर से अब दोबारा आए, फिर शुरू करा। खाटू धाम भी जाते रहते होंगे आप? हाँ जी हाँ जी। सो मतलब कहाँ से पता चला यहाँ के बारे में? बस लोगों से सुना, कुछ किताबों में पढ़ा। कुछ किताबों में पढ़ा तो लगन लग गई। लगन लग गई। तो आप ही भजन गा रहे थे? हाँ
नहीं मैं नहीं मिल सकता तो घर से कितने मतलब सारे आप इकट्ठे ही आते हैं? नहीं हम 12 मेंबर आए हैं आज हम, बाकी को सहारनपुर से आए थे लोग। अच्छा हम लोग दिल्ली से आए हैं। स्पेशल दिल्ली से आते हैं, हर महीने आते हैं आप? हाँ जी हर महीने आते हैं। तो देखिए बाबा से कैसी लगन है, तो हर महीने आते हैं स्पेशल दिल्ली जाते हैं, तो पूरी बस के साथ मतलब पूरे मेंबर अपनी गाड़ी करके आते हैं, दो इनोवा करके आते हैं, दो इनोवा करके आते हैं मतलब पूरे मतलब 12 आज में 12 मेंबर आए। वैसे कितने मतलब मंडली कितने लोगों की? कभी 6 भी होते हैं, कभी 5 भी होते हैं, कभी 12 हो जाते हैं, इसी से ज्यादा नहीं आते। आपका क्या नाम है? सुशीला। सुशीला तो ये सारा ग्रुप है, बाकी आपका ग्रुप कहाँ गया? वो आगे दर्शन करने गया। तो ये पूरा ग्रुप है, ये हर महीने आता है, बाबा की मतलब ऐसी लगन लगी हुई है। तो आप भी यहाँ पे ज़रूर आएँ, एक बार दर्शन करने चाहिए आपको भी चुलकाना धाम के बारे में जिनको नहीं पता है। बहुत अच्छा लगा आंटी जी आपसे बातचीत करके, धन्यवाद। जय हाँ जी, ये हमारे साथ बाबा के भक्त हैं। क्या नाम है आपका आंटी जी? ममता अग्रवाल। ममता अग्रवाल तो कितने टाइम से आ रहे हैं बाबा से, कब से लगन लगी हुई है? हो गए 4 साल। 4 साल हो गए? 3 साल हो गए। तो कहाँ से आए आप? मैं बॉम्बे से। स्पेशल बॉम्बे से आए आप? एक मिनट। तो खाटू धाम भी जाते रहते होंगे? हर महीने बस बाबा की कृपा के हर महीने जाऊंगी, 4 महीने हो गए जाते हुए। 4 महीने खाटू धाम। यहाँ कितने टाइम से आ रहे हैं? यहाँ भी हो गए 3-2.5 साल हो गए। हर महीने यहाँ भी आते हैं? नहीं यहाँ तो बॉम्बे ये लोग आते हैं। आपका क्या नाम है? मंजू गोयल। अच्छा मंजू गोयल, आप तीनों बहने हैं? अच्छा अच्छा, तो इकट्ठे ही आए हैं साथ में तो बाबा के दर्शन के लिए। तो कैसे लगी लगन ये तो बता दीजिए। बस चमत्कार दिखाए। चमत्कार है? चमत्कार है, दिखाए और दिख रहे हैं और अभी रहे। भी दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। तो वो तो है बाबा, वही थोड़ी कहते हैं शीश के दानी और लखदातार, ऐसे थोड़ी नाम पड़ गए बाबा के। बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे, बात करके बहुत अच्छा लगा। देख लीजिए ये बॉम्बे से आए हैं स्पेशल बाबा के दर्शन के लिए। तो ऐसे दर्शन बाबा के सबको नहीं मिलते, किस्मत वाला ही होता है जो हर महीने बाबा के दरबार जाता है। वो शाम प्यारे की जय, बोल खाटू नरेश की जय, बोल जय श्री श्याम। तो देखिए कितने मतलब छोटे छोटे भक्त हैं जिनकी बाबा से मतलब अभी से लगन लग गई है। तो मतलब शर्मा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मतलब देखने का वाला बस ही वो है कि छोटे छोटे बच्चों। सुनाओ सुनाओ नाथ मेरी बात जाने को नहीं दे रे, अकली चुरा कर बाबा जैसी कटे मेरे से, दीनानाथ मेरी बात जाने को नहीं दे रे से, अकली चुरा कर बाबा जैसी कटे मेरे से। वाह जी वाह, मतलब देखिए कितने मतलब बाबा की लगन लगी है, छोटे छोटे प्यारे सारे बच्चे, मतलब किस हिसाब से बाबा की लगन लगी है, अभी से बाबा की लगन लग गई है। हर किसी को नहीं लगी लगन लगती, हर किसी को ऐसे दर्शन नसीब नहीं होते। सो जो भी वीडियो देख रहे हैं एक बार ज़रूर आएँ, देखिए कितने बाबा के भगत हैं जो आए हुए हैं। अभी तो आपने एकादशी पर नहीं देखा, एकादशी पर तो मतलब ऐसा होता है कि बाबा के मतलब 3 सेकंड के दर्शन, अभी तो जितना इतने खुले दर्शन हो रहे हैं ना उस टाइम पर तो बस सिर्फ 3 सेकंड के दर्शन होते हैं। तो आप भी ज़रूर आएँ एक बार, चुलकाना धाम और खाटू धाम भी जरूर जाएं, आपकी सब मनोकामना पूर्ण होगी और मतलब आपकी ऐसी लगन लगेगी आप हर महीने वहाँ जाएंगे, मतलब बाबा के बिना आप रह ही नहीं पाएंगे। सो अभी एक बार हम भी दोबारा दर्शन करते हैं, चलिए चलते हैं। मतलब बहुत अच्छे से हुए बाबा के दर्शन ना, मतलब मन खुश हो गया, दिल खुश हो गया, मतलब कहने को शब्द नहीं है, मतलब इतने मतलब अच्छे दर्शन हुए ना। क्योंकि आप जाओगे ना खाटू धाम भी जाओगे, अब इतनी भीड़ होती है ना, मतलब लगा लो 3 सेकंड के दर्शन होते हैं जब कभी बाबा का जन्मदिन हो या एकादशी हो। सो मतलब बहुत तो 3 सेकंड के दर्शन है, मतलब एकदम से दर्शन होंगे। और जो आज दर्शन हुए ना, मतलब एकदम मन तृप्त हो गया, एकदम इतने अच्छे दर्शन हुए हैं। सो आप भी यहाँ आएँ, बाबा का आशीर्वाद लें, क्योंकि हमें तो मतलब बाबा का आशीर्वाद मिल गया, सब कुछ मिल गया। बाकी बाबा यहाँ सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, सो आप भी ज़रूर आएँ और बाबा के दर्शन करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो हाँ, तो ये कहना चाहूँगा एक बार ज़रूर चुलकाना धाम आएँ, बाबा के दर्शन करें, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे बाबा ने अपना शीश का दान दिया था श्री कृष्ण भगवान को। सो यहाँ पे आके आप बाबा के दर्शन जरूर करें एक बार। तो हाँ जी, सो दोबारा दर्शन कर लिए, ये बाबा को प्रसाद चढ़ा दिया, प्रसाद हमें मिल भी गया, हमने चढ़ा भी दिया ये हर्ष। सो अभी हम घर जाएंगे। बाकी आपने देखा कि मतलब बहुत मान्यता है, लोग देखो मुंबई से भी आए हुए थे स्पेशल मतलब दर्शन के लिए यहाँ पे। और जो भी जितने भी शाम प्रेमी है वो हर महीने मतलब खाटू धाम तो जाते ही जाते हैं और यहाँ भी लोग आते ही आते हैं। सो आप भी यहाँ पे आएँ, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ पे एक बार ज़रूर आएँ, मतलब बाबा के दर्शन करने चाहिए। जिस तरह मतलब मैंने बताया पहले भी कि खाटू धाम में तो उनके मतलब जो शीश है उसकी पूजा होती है और यहाँ पे जो उनके धड़ की पूजा होती है। सो आप यहाँ पे आएँ चुलकाना धाम में, बाबा का आशीर्वाद लें और बाबा से मतलब आशीर्वाद लें, अपनी मनोकामना पूर्ण करें। जो क्योंकि ये मान्यता है कि जो भी बाबा के दर्शन करता है और जो भी कुछ मांगता है बाबा से ज़रूर पूरा होता है। बाकी अभी हम घर जाने लगे हैं,
सो अभी हम घर जाएंगे, 2 घंटे 2-2.5 घंटे लग जाएंगे अभी हमें घर पहुंचने में यहां से। बाकी दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, अब हम दोबारा आते रहेंगे। बाकी संगतें आ रही हैं, और संगत मतलब आ रही है, जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, देखिए है। मतलब हमें भी बहुत अच्छा लगा दर्शन करके, मतलब अब तो मतलब ऐसा लगता है कि आते रहो, इतने मतलब अच्छे दर्शन हुए बाबा के। बाकी अभी हम घर जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मेरी कोई नेक्स्ट वीडियो आए आपको पता लग जाए, और मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपको डालते रहें। क्यों भी यार सब्सक्राइब करवा दे यार, कर दो भाई, कर दो यार सब्सक्राइब, मतलब बाबा के दर्शन करने आओ, सब्सक्राइब भी करो, यहाँ वीडियो देखो अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें सब्सक्राइब करें। बाकी अभी हम घर जा रहे हैं, सो मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, हाँ तभी कुछ बात बनेगी। सो अभी हम घर जा रहे हैं, सो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तो बाय। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दे भाई, जरूर कर दे। बाकी एक बार देख लीजिए, और बाबा का धाम चुलकाना धाम दर्शन कीजिए, आप भी आइए, हमने तो एक बार आपको दर्शन करा दिए हैं, बाकी आप एक बार दर्शन कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। सो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री खाटू धाम, जय श्री चुलकाना धाम। सो आइए दर्शन कीजिए आप भी।